नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन अपराधी हर तरह की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। खासकर राजधानी पटना की बात करें तो यहां अपराध बेहिसाब बढ़ गया है और हर दिन अपराधी किसी न किसी तरह के अपराध को अंजाम देते आ रहे हैं। हालांकि अपराधी पुलिस की सुस्ती का भरपूर फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं अपराध को अंजाम दे देते हैं। इस ताज़ा मामला मानसलामी थाना क्षेत्र के चुटकिया बाजार की है, जहां पर एक मकान में बीती रात चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हम इस वक्त उसी मकान में हैं जहां पर यह चोरी हुई है और चोरी में क्या क्या चोरी की गई है चोरों के द्वारा, हम आपको सीधे मकान मालिक से ही सुनवाएंगे कि आखिर क्या क्या चोर इनके घर से ले गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे किस तरह से जो ज्वेलरी की जो सामान थी वो किस तरह से रखे हुए थे और अलमीरा जो है वो किस तरह से तोड़ा गया है और पूरा का पूरा जो अलमीरा है वो खंगाल दिया है। हालांकि चोरों ने पूरी इत्मीनान से चोरी की घटना जो है वो इस घर में अंजाम दिया है और फिर सारे चोर जो हैं वो आराम से भाग निकले। हालांकि इस पर मकान मालिक का क्या कुछ कहना है, कैसे चोरी हुई और कहां गए हुए थे जिसके वजह से इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, हम सीधे उनसे मिलेंगे। जी बताइए कि यह आपका मकान है? जी। कहां गए हुए थे आप? हम पूरे परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे। हम करीब 22 तारीख को गए थे, 22 जून को। उसके बाद वहाँ घूम फिर के पंजाब अमृतसर होते हुए 29 तारीख को जब मैं घर पे आया हूँ तो बाहर से ताला सब ठीक था। जब अंदर घुसा हूँ करीब करीब 6-7 रूम मेरे पास है, सब में ताला लॉक था। सभी ताला को काट के भीतर से जितना भी अलमीरा था, 4 गो गोदरेज अलमीरा था, सबको तोड़ फोड़ करके नकदी जेवर बस दो ही चीज में उसका हाथ था, पूरा के पूरा साफ कर दिया, पूरा इत्मीनान से साफ कर दिया गया। उस समय रात को मैंने पुलिस को फोन भी किया, पुलिस भी आई, जो भी उनका कार्रवाई करना था देख के फोटो वगैरह करके ले गए और फिर अभी हम जा रहे हैं। अच्छा, माता के दरबार में जब पहुंचे थे तो यहाँ किस दिन वापस आए तब तो आपको यह चोरी घटना पता चला? मैं कल ही रात मतलब बुधवार के रात को भी 11 बजे घर पे पहुंचा। बाहर से देखने में सब चीज ठीक था, अंदर गए तो देखे कि सारा रूम खुला हुआ है, लाइट जली, कुछ मतलब बचा नहीं है, एक भी पैसा बचा नहीं है। अच्छा, अनुमानित क्या आंकड़ा होगा कि लोग चोर जो है कितने सामान कैश ले गए हैं? 70,000 आसपास, 70,000 के आसपास ले गए हैं कैश। अब बाकी जेवर है, जेवर का अनुमान हम क्या बता सकते हैं? तीन बेटा का शादी किए हैं, तीनों बेटा का जेवर था यहाँ और फिर मेरा अपना जेवर था। कम से कम कितने पे होंगे जेवर, कितने लाख? वो क्या बता, उसका अनुमान तो हम क्या कर सकते हैं, 4-5 लाख से तो ऊपर हो जाएगा, 8 लाख रुपया हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे कि प्रशाखा पदाधिकारी हैं बिहार सरकार में, राजस्व विभाग में, वाणिज्यकर विभाग से रिटायर किए हैं बिहार सरकार में, उनके घर में चोरों ने दस्तक दी है और भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि हम घर की जो गृहिणी हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर गोल्ड में क्या क्या उनके पास था और चोर ले गए। जी बताइए, गोल्ड में आपके पास क्या क्या था जो लेके चले गए चोर? गोल्ड में सारा कुछ था, गहना था, मंटिका, नाक का, सब कुछ जितना भी था सब कुछ, और जितना भी चांदी के पायल वगैरह थे सारे कुछ, बच्चा का था जेवर वगैरह सब, बच्चा का कटोरा था वो सब कुछ, सब कुछ लेके चले। यानी कि पूरी मकान को जो है खंगाल दिया? हाँ, और ये बहुत इत्मीनान से चोरी की गई है, मतलब ये एक बार का नहीं है, वो आराम से किया गया चोरी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इसके बाद? जैसे चोरी हुई है तो आपको क्या, पुलिस से क्या उम्मीद है? पुलिस जल्द से जल्द पकड़ के और हमारी मदद करे बस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सेल टैक्स ऑफिस, सेल टैक्स में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तैनात जो कि रिटायर्ड हैं, उनके यहाँ चोरों ने बीती रात दस्तक दी है और उनके मकान में जो हर एक एक रूम जो है उस रूम को खंगाल दिया है और
पूरी इत्मीनान के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि हम आपको बता दें कि चोरी की घटना में एक चोर नहीं होंगे, एक से अनेकों कई चोर यहां पर होंगे, तो उसी उसके बाद से ही इस मकान में जो है चोरी की घटना बड़े ही इत्मीनान से अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस मौके वारदात पर पहुंची जरूर है, वहां पर जांच करके गई है, लेकिन अभी तक कोई आशातीत सफलता नहीं मिल पाई कि चोर कौन थे और कहां से आए थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में जो भी चोर हैं वो पुलिस की पकड़ में कब तक आते हैं, और सामान की जो बरामदगी जो चोरी हुई है उसकी बरामदगी कब तक हो पाती है, देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।